बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में महज कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव को लेकर प्रचार भी धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां विकास के वादे के साथ वोट मांग रही है, वहीं कई इलाकों से वोट बहिष्कार की भी बातें सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला घोसी विधानसभा क्षेत्र हरहर गाँव में देखने को मिल रहा है, जहां विकास नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने गांव के बाहर वोट बहिष्कार का बैनर लगाकर वोट नहीं देने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर पर स्थित हरहर गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और इसको लेकर ग्रामीणों ने इस बार चुनाव में वोट नहीं करने की बात कह दी है। ग्रामीणों का कहना है कि 3000 की आबादी वाले इस गांव में न सड़क है, न स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा से हम लोग वंचित हैं। हर बार चुनाव के वक्त नेता वोट मांगने आते हैं और जीत जाने के बाद सारे वादे भूल जाते हैं, जिसके कारण आज तक इस गांव में न पक्की सड़क बन पाई है और न ही कोई विकास हुआ है। बचपन से लेकर मैं आज 40 साल का हो गया, लेकिन सड़क कल भी कच्ची थी और आज भी कच्ची है। सड़क स्वास्थ्य की सुविधा नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए तो खाट का सहारा लेना पड़ता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम ग्रामीणों ने इस बार वोट नहीं करने का निर्णय लिया है। गौरतलब हो कि जिला प्रशासन वोट जैसी मौलिक अधिकार को लेकर मतदान करने को जोरों शोर से मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन ऐसे में वोट बहिष्कार की बातें सरकार और प्रशासन के इस अभियान के लिए मुसीबत बनी है। मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। समस्या है, आप बताइए। मेरा नाम सोनी देवी है। रोड का बहुत दिक्कत है, बच्चा लोग को पढ़ने जाने में भी दिक्कत हो जाता है। पानी पड़ जाता है तो बच्चा लोग घर पर बैठ जाता है। बोलिए। और नहीं तो वोट नहीं। आप लोग वोट नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे वोट, कोई नहीं वोट देगा। पासपोर्ट रख देंगे वोट को। क्या नाम हुआ? सोनी देवी। कहाँ के रहने वाले? हरहर के। जी, क्या मामला है बताया जा। मामला है कि 2015 में माननीय नीतीश कुमार जी के और माननीय लालू जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया था, तो जहानाबाद तीनों विधानसभा पर जीत हासिल हुई। उस समय बगवार में एक अभिनंदन समारोह मनाया गया था। मैं बसंतपुर विष्णुपुर रोड के बारे में मैंने इस सवाल को उठाया था। उस सवाल को अनदेखी करते हुए फिर जो है कृष्णनंदन वर्मा जी मंत्री बने और किशुनेथुआ पंचायत किशुनपुर आए। मैंने लगाया कि जो है किशुनपुर बसंतपुर रेवन्यू विलेज है और जो है वह पिछड़ा अति पिछड़ा महादलित का गांव है, इस रोड को बनाया जाए। और जो है हमारे पूर्व जो है अभी वर्तमान सुबेदार दास जी वहीं थे और जो आज तक ही रोड का जो है किसी ने नहीं देखा, नहीं माननीय नीतीश जी मगर 15 साल जो कहते हैं कुछ शासन की सरकार है, हम गली गली गांव गांव तक रोड पहुंचाए या नहीं। यही नहीं, आप चले जाइए जो है आपका जो है बढ़ावना पंचायत पड़ता है जहां निसरपुरा रेवन्यू विलेज है। आप चले जाइए 12 में जहां रेवन्यू विलेज है, चले जाइए बढ़ावना पंचायत जलालपुर जहां रेवन्यू विलेज है, आस गांव में भी रोड से वंचित है। जिस तरह से आज बसंतपुर विष्णुपुर में रोड का जो बहिष्कार का जो पोस्टर लगाया गया है, वहाँ भी इसी तरह से पोस्टर लगाया गया है मुंगेश्वर प्रसाद के पार्टी के। वोट बहिष्कार इस गांव से करने जा रहे हैं, करने का मतलब है कि जहानाबाद से महज जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर पड़ता है बसंतपुर अड़हर गांव पिंजोरा पंचायत काको ब्लॉक। यहाँ के लोग मैंने 40 वर्ष मेरा भी बीत गया, कई विधायक सांसद जीते, लेकिन आज तक मेरा गांव में रोड नहीं बना। इस गांव में ढेर मतलब अपना बेटी दिया था आशा लगा के कि कच्ची रोड बना हुआ है बन जाएगा, लेकिन आज वो 40 वर्ष के वो भी बहु बसा लिया, लेकिन आज तक रोड नहीं बना है।
नीतीश कुमार जी सात निश्चय के तहत अभी निश्चय संवाद भी कर रहे हैं कि मैंने विकास दिखता है, लेकिन हम कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि बिहार के नक्शा से का बसंतपुर और बिशुनपुर हर गांव बाहर है कि यहाँ न ना, ना नाली है, न गली है, न अभी तक पक्की सड़क से मेरे गांव जुड़ा है। यहाँ आबादी करीब 25,000-3,000 की आबादी है। यहाँ न स्वास्थ्य केंद्र है, न एगो गली बढ़िया है, न नाली है। क्या नाम है आपका? उदय कुमार। क्या समस्या है बताइए। समस्या है कि यहाँ पे कच्ची रोड है, थोड़ा सा पानी पड़ जाने के बाद भर ठेहुन ये पानी लग जाता है, हिल किच लग जाता है। और शिक्षा का सबसे बड़ा समस्या है, बच्चा लोग या हम लोग शिक्षा से प्रभावित हो जाते हैं, ट्यूशन कॉलेज जाने में दिक्कत होता है। और उससे भी बड़ा समस्या होता है कि ये महिला लोग या पुरुष लोग को तबीयत खराब होता है तो चार आदमी टांग करके रोड पर लाते हैं 2 किलोमीटर दूरी पर, और उसके बाद यहाँ से ऑटो ठीक करते हैं, उसके बाद जाते हैं जहानाबाद सदर अस्पताल। ये समस्या है। और इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? इसको लेकर के हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धनंजय कुमार है।